दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पर। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में टू टाइप्स हम देखेंगे, दो लोगों का वर्गीकरण देखेंगे। एक देखेंगे एनास्टेसी का और दूसरा देखेंगे क्रॉनबैक का, ठीक है। दोनों लगभग लगभग करके सेम है। तो आइए सबसे पहले बिना किसी देरी के हम लोग चर्चा करते हैं एनाटेसी के क्लासिफिकेशन पर, टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैधता के प्रकार। तो जो सबसे पहला जो दिया है वर्गीकरण या टाइप्स, वो है एनाटेसी का, और जो सर्वमान्य भी है। इन्होंने तीन बताई हैं, तीन तरीके की वैलिडिटी बताई है, थ्री टाइप्स की वैलिडिटी बताई है। पहली है कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, और दूसरा है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, और तीसरा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु वैधता। इंग्लिश टर्म इसलिए यूज की है कि ये यूनिवर्सल होते हैं, बदलते नहीं, हिंदी में अलग अलग अर्थ है, ठीक है। इसको कहते हैं विषय वस्तु वैधता, ठीक है। इसको कहते हैं कसौटी, ठीक है, संबंधित वैधता या निकष संबंधित वैधता, ठीक है। और इसको कहते हैं संरचनात्मक वैधता, संरचनात्मक वैधता, ठीक है। अब यदि हम इसी वर्गीकरण को क्रॉनबैक में देखें, क्रॉनबैक में तो क्या होगा, ये सब सेम रहेंगे। जो पहला है अंतर कितना होगा हम बताते हैं आपको। पहला ये हो गया आपका कंटेंट वैलिडिटी, विषय वस्तु वैधता, बिल्कुल सही बात, कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। और जो तीसरा आखिरी वाला ये भी सेम रहेगा, ये क्या है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इसको भी लिख लो पहले, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, चलो वैसे ही है। अब इसमें क्या है, ये टू में बदल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट हो जाएगा इसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है, प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, और दूसरा हो जाएगा कंकरेंट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, ये डी है, डी आई टी वाई, वैलिडिटी, ठीक है। यहां पर जब अब हम क्या है, देखिए चाहे हम एनाटेसी देखें, ये जो है क्लासिफिकेशन है ये 1968 का है। जब हम इसको देखेंगे क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को, ठीक, एनाटेसी के संदर्भ में, तब भी इसको दो भागों में विभाजित करेंगे। यहां क्या है, क्रॉनबैक ने सीधा सीधा इनको चार अलग अलग भागों में रख दिया है, लेकिन एनाटेसी ने इन सबको तीन भागों में रखा है। जो प्रिडिक्टिव है और कंकरेंट वैलिडिटी है वो क्या है, क्राइटेरियन वैलिडिटी में समाहित है एनाटेसी के में, लेकिन इन्होंने क्या है, क्रॉनबैक ने दोनों को अलग अलग रख दिया है, अलग अलग, ठीक है। अब इसको क्या है, कहीं पे पूर्व कथन कहते हैं, भविष्य कथन कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जब चर्चा करेंगे इनके डिटेल पे वहां पर देखेंगे। तो मुख्य रूप से वैलिडिटी आपकी तीन ही होगी, ठीक है। पहली होगी कंटेंट वैलिडिटी, दूसरी होगी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, तीसरी होगी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और
जब इसमें बात करेंगे क्रॉनबैक के ठीक क्लासिफिकेशन में या टाइप्स में, तो यहां पर भी तीन ही है, कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी दो, और प्रिडिक्टिव और कंकरेंट ये दोनों हैं, ये क्राइटेरियन रिलेटेड के ही आगे चल के पार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है, ये अलग अलग पार्ट है। तो कुल मिला के हमको तीन वैलिडिटी पे देखना है, एक कंटेंट वैलिडिटी पे बात करनी है, दूसरी क्राइटेरियन वैलिडिटी पर, और तीसरी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पर। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इनके ठीक है डिटेल में इन पर चर्चा करेंगे कि क्या है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।